आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक बड़ा हादसा उस वक्त टल गया जब अस्पताल के चौथे माले से छलांग लगाने का प्रयास कर रहे 16 वर्षीय किशोर को वहां पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों और नर्सिंग स्टाफ ने सुरक्षित नीचे उतार लिया, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। इस दौरान अस्पताल के चौथे माले में हड़कंप की स्थिति बनी रही। मिली जानकारी के मुताबिक रीवा शहर के रतारा मोहल्ला निवासी 16 वर्षीय युवक बीते 5 दिनों से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के न्यूरो विभाग में भर्ती है। बताया गया है कि उसका ऑपरेशन होना था, लेकिन 5 दिन बीत जाने के बावजूद भी चिकित्सकों द्वारा ऑपरेशन न किए जाने से किशोर परेशान हो गया और मंगलवार की दोपहर वह अस्पताल के चौथे माले में चढ़कर नीचे छलांग लगाने का प्रयास करने लगा। इसी दौरान वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उसे देख लिया और इसकी जानकारी वार्ड में मौजूद नर्सिंग स्टाफ को भी दी। साथ ही अस्पताल के सीएमओ तेजपाल सिंह और सुपरवाइजर संजीव पटेल को भी दी गई। इसके बाद मौके पर पहुंचे सीएमओ और सुपरवाइजर सहित नर्सिंग स्टाफ ने मिलकर किसी प्रकार से किशोर को छत की दीवार से नीचे उतारा, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। इस पूरे मामले में चिकित्सकों की बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आई है, लेकिन सुरक्षाकर्मी और नर्सिंग स्टाफ की वजह से एक किशोर की जान बचा ली गई है। चले जाइए उधर, दिलवाद हो ना छुट्टी का। अगर अरे जैसा बोलोगे भाई वैसा करेंगे, बताओ तो तुम्हें क्या चाहिए। भैया जैसा बोला वैसा हो ही, बताइए ना अपना कहाँ कहाँ चाहिए। डॉक्टर साहब आ गए का? बताओ ना यार क्या कर रहे हैं तुम्हें। छुट्टी मां कसम मैं दिलाऊंगा, मैं अपनी जिम्मेदारी में अभी तुम्हें घर लेके चलूंगा, अभी तुम्हें छुट्टी दिला रहा हूँ। जानी भाई चलो मैं तुम्हें बाहर लेके चलता हूँ। भाई आ जा, आ जा, सब लोग आ रहे हैं, मैंने कहा सब लोग आ जा। आ जा बेटा, आ जा भाई, तुम्हें छुट्टी नहीं मारे ना, चलो आ जा, आ जा छुट्टी हो गई, चलो कूद रहा है, आ जाइए, आ जाइए।